हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया के फंडे में। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, एक काढ़े के बारे में बात करने वाले हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा है दोस्तों, और इस काढ़े का क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इस काढ़े से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ेगा। दोस्तों, आज के टाइम में जो स्थिति चल रही है पूरे विश्व और भारत की, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए और इस कोरोना से शरीर को कैसे बचाया जाए। दोस्तों, तो कोरोना बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा चुका है पूरे विश्व भारत में। तो आइए देखते हैं इस काढ़े के बारे में कि इस काढ़े में क्या चीज़ें हैं और ये काढ़ा कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ इस काढ़े का आप हम देख सकते हैं, ये काढ़े के अंदर जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये देखिए कि काढ़ा काम क्या आता है दोस्तों। फीवर रिलेटेड विथ ज्वाइंट पेन एंड बॉडी पेन लाइक चिकनगुनिया एंटीवायरल। तो दोस्तों, जो चिकनगुनिया है एंटीवायरल है, इस तरीके से इन जो हमें मान लो बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जुखाम हो रहा है, सिर दर्द है, उसमें यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये नहीं कह सकते कि दोस्तों ये कोरोना की दवाई है और ये कोरोना को ख़त्म कर देगा, लेकिन दोस्तों ये शरीर की इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ा के रखेगा। इसको अगर हम लगातार लेते रहें, महीने में 2 बार, हफ्ते में 1 बार अगर इसको लेते रहें, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो ये ईशा लाइफ का प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसको मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें। तो आइए इसके बनाने की विधि को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले पानी लेंगे दोस्तों। ये पानी लगभग दोस्तों 500 ml पानी है दोस्तों। ये क्वांटिटी हमारे लोगों के ऊपर है कि आप कितने लोगों का काढ़ा बना रहे हो दोस्तों। आपको 300 ml अगर आप पानी लेते हो दोस्तों, तो आप एक दो लोगों के लिए काढ़ा बना सकते हो, और उससे ज़्यादा आप अभी देखते हैं दोस्तों। हम 4-5 लोगों का काढ़ा बना रहे हैं, इसलिए हम 500 ml पानी और डाल देते हैं। तो टोटल ये 1000 ml पानी हो गया, ठीक है दोस्तों। पानी डालने के बाद दोस्तों, इसमें हम डालेंगे काढ़ा दोस्तों। एक आदमी के लिए 1 teaspoon हम इसमें काढ़ा डालेंगे। तो ये हमने काढ़ा डाला, दो, ये 3। तो दोस्तों, हमने इसमें 4 चम्मच काढ़ा डाल दिया। अब हम इसको उबालने के रखेंगे दोस्तों, और हमको इसको धीमी आंच पर उबालना है, ठीक है दोस्तों। और ये काढ़ा उबल रहा है, हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उबलने में, तो अभी कुछ देर के लिए हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, उबलने के बाद हमने काढ़े को छान लिया है, और छानने के बाद दोस्तों ये हमने डाल दिया। देखिए, ये हमारा जो काढ़ा है, ये ना तो ज़्यादा दोस्तों गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा इसको, ठीक है दोस्तों। और एक एडल्ट के लिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 30 से 50 ml एक एडल्ट को ये काढ़ा पीना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काढ़ा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये आयुष मंत्रालय ने भी इस काढ़े को बताया था, ठीक है। आपको असुविधा न हो इसके लिए, हम इस काढ़े को कैसे मंगाना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है वेबसाइट का, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई परेशानी हो काढ़े से इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में ये सब लोगों के पास में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।